तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथमेटिक्स। देखिए बेसिक मैथ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कायदे से अगर देखा जाए तो ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है आईआईटी जेई में, या कोई ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है आपके 11th या 12th के सिलेबस में। लेकिन बेसिक मैथ जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें हम लोग मैथ की कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, ये बेसिक बातें आपको आगे के स्टडी के दौरान में काम में आने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी क्लास 11th स्टार्ट किया है तो मैथ में आप बहुत सारी चीजें नहीं जानते हो, बेसिक बातें जो आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज की जाएंगी। अच्छा, जब टॉपिक पढ़ाया जाता है कोई भी तो उसमें एज्यूम किया जाता है कि आपको ये बेसिक बातें आती होंगी, तो इस कारण से यहां पे मैं वो बेसिक बेसिक चीजें सिखाऊंगा जो आगे आने वाले टॉपिक्स में हमें हमेशा यूज में आएंगी। अच्छा, कभी कभी आपको ये भी मिलेगा कि आईआईटी के मेंस में इस बेसिक मैथ से भी एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, या कभी कभी एडवांस में भी इवन एक आध बेसिक मैथ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो हर एक पॉइंट से ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रही बात टारगेट बैच वालों की, टारगेट मीन्स की 12th पास बैच, अगर हम बात करें 12th पास के लिए डेफिनेटली ये एज्यूम किया जाता है कि उनको बेसिक मैथमेटिक्स आती होगी या बेसिक बेसिक चीजें आती होंगी। लेकिन फिर भी इस बेसिक मैथ में हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जैसे इनइक्वालिटी, लॉग, मॉड एक्सेट्रा, तो ये चीजें आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं उनको भी ये सजेस्ट करूंगा कि वो भी बेसिक मैथ में इन पोर्शन पे अच्छा खासा फोकस रख के इन चीजों को अच्छी तरीके से सीखें, क्योंकि क्वेश्चंस आईआईटी में इस पे भी बेस्ड डायरेक्टली आपको देखने को मिलता है। तो इन सारी चीजों के साथ मैं आपको बेसिक मैथ में स्टार्ट करता हूं। पहली चीज जो सबसे बेसिक है बेसिक मैथ में वो है नंबर सिस्टम। तो बेसिक मैथ में जो हम लोग सबसे पहली चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या नंबर्स होते हैं, उनकी क्या क्या खास बातें होती हैं, ये सारी बातें, क्योंकि ये सब नोटेशन के तौर पे आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज किया जाता रहा है। तो नंबर सिस्टम में जो हम लोग को पहला नंबर पढ़ना है वो है नेचुरल नंबर। अच्छा, ये जो नेचुरल नंबर होता है दैट इज डिनोटेड बाई एन, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर में क्या आता है, चलिए ये देखा जाए। नेचुरल नंबर में ध्यान दीजिए, नेचुरल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, नेचर से रिलेटेड। मतलब अगर आप बहुत पहले जाओ, बहुत पुराने आदमी के पास जाओ, तो पुराना आदमी काउंटिंग कैसे करता था? पुराना आदमी जो है वो 1 2 3 यहां से उसने काउंटिंग करना स्टार्ट किया था। जीरो की भी खोज बाद में हुई थी आपको पता है, इसलिए पुराना आदमी जीरो भी नहीं जानता था, हम इसको भी नहीं बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर आप ये समझिए कि जो इनिशियली नेचर में लोग काउंट करते थे वो नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और ये बढ़ते 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 कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट? मैथ में इनफाइनाइट का मीनिंग आप जस्ट इतना याद रखिएगा कि एक बहुत बड़ा नंबर जिसपे आप कभी पहुंच नहीं सकते हो। इन्फिनिटी के बारे में कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स मैं डिटेल में आगे भी डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल नेचुरल नंबर आपके पास, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा अप टू इन्फिनिटी। अब इस नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूं। ये रिजल्ट्स आप डिटेल में सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहां पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने बताया कि चाहे आप फिजिक्स स्टार्ट करो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप मैथ पढ़ो, ये बेसिक रिजल्ट्स आपको कहीं ना कहीं पे यूज करना पड़ सकता है। तो प्रॉपरली हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ने के लिए ये बेसिक रिजल्ट मैं आपको यहां पे बताए देता हूं, और कुछ छोटे मोटे मैं इनके यूज आपको दिखाई देता हूं। ठीक है, तो बेसिक रिजल्ट में जो हम सबसे पहला रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है, देखिए, समेशन आर। व्हाट डज इट मीन समेशन? इसको क्या रीड करते हैं? समेशन। और इसका मीनिंग क्या होता है?
इसका मीनिंग होता है कि सम करना, किसको सम करना। अब यहां पे देखिए, समेशन आर, आर इज वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, तो इसका मीनिंग जरा समझिएगा। समेशन का मतलब होता है सम करना, किसको सम करना। अगर आप r की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करो, 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, और कहां तक रखो, n तक रखो। तो अगर आप r की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करो, n तक रखो, तो जो कुछ भी यहां पे आउटपुट में आएगा, उन सब का समेशन, उन सबको ऐड करना है। तो समेशन का मतलब समझ में आया। समेशन का मतलब है कि आपको सारी चीजों को ऐड करना है। कौन सी सारी चीजों को ऐड करना है? अगर आप r की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कहां तक रखो, n रखो, तो जो भी आउटपुट निकल के आएगा, उन सारी चीजों को ऐड करने को ही हम लोग लिखते हैं समेशन r। r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। तो देखिए, इसको अगर आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? पुट r इक्वल टू 1, तो 1 मिलेगा 1 प्लस समेशन, है ना, तो इसलिए आपको ऐड करना है। पुट आर इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा? 2, समेशन है तो ऐड करना है। पुट आर इक्वल टू 3, ऐड करते चलिए। पुट आर इक्वल टू 4, ऐड करते चलिए। कहां तक ऐड करना है? अप टू आर इक्वल टू एन। तो इसका मीनिंग हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू एन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट पे जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 से स्टार्ट करके एन तक के नेचुरल नंबर्स का सम। अच्छा, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये पहला फॉर्मूला जो आपके लिए निकल के आ रहा है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 से स्टार्ट करके एन तक के नेचुरल नंबर्स का सम हमें लिखना है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन का फॉर्मूला आपके पास आ रहा है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। इसका प्रूफ अगर आप चाहोगे तो हम सिक्वेंस एंड सीरीज में करेंगे, अदरवाइज अगर आपने एपी का सम पढ़ा होगा तो एपी के सम से भी आप इसका प्रूफ कर सकते हो। आगे मैं इसका प्रूफ बताऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक में, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेम्बर। अच्छा, यूज कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, क्वेश्चन तो हम इस पे करेंगे लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि सपोज कि आपको निकालना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस और अप टू 10। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 1 से लेकर के 10 नेचुरल नंबर्स तक का सम निकालना है। तो एक रास्ता है कि आपको लग रहा है कि चलो 10 ही तो नंबर है, ऐड कर देते हैं, है ना, लेकिन आप फॉर्मूला लगाइए, इसमें आपको लीस्ट कैलकुलेशन होगा। और मान लीजिए 10 नहीं 20 हो गया, 100 हो गया, तब तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्मूला लगाइए, जरा फॉर्मूले में देखिए कैसे फिट बैठ रहा है। ये बोल रहा है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम, 1 से 10 तक का सम। इसमें जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वह है 1 से n तक का सम। तो इसलिए अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसमें n की वैल्यू आप 10 पुट करोगे। तो अगर आप n की वैल्यू 10 पुट करोगे तो यू विल गेट सम ऑफ दिस। तो पुट करिए तो n की वैल्यू 10, तो आपको मिलेगा n इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1 इट इज 11 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आएगा 25 जा एंड ये आया 11 इंटू 5 55। तो 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स का सम 55 होता है। ये आप अदरवाइज भी ऐड करके चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं इसके दूसरे रिजल्ट पे। दूसरा रिजल्ट मैं लिख रहा हूं समेशन आर स्क्वायर एंड आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन। तो जरा इसका मीनिंग बताइए क्या होगा। अगेन इसका मीनिंग भी वही है कि पहले आप r इक्वल टू 1 रखिए, फिर जो आउटपुट आ रहा है प्लस करिए, क्या r इक्वल टू 2 पुट करिए, प्लस r इक्वल टू 3 पुट करिए, प्लस करते चलिए n तक। तो r इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस, r इक्वल टू 2 रखोगे तो आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस, ऐड करते चलिए। r इक्वल टू 3 रखोगे तो मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस, और r इक्वल टू लास्ट में n रखोगे तो आपको मिलेगा n का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास सेकंड रिजल्ट है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक, n स्क्वायर। या इसको मैं रीड करूंगा सम ऑफ
स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है। फर्स्ट पे अगेन फोकस करिएगा, वन से लेकर के एन तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम है। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है, अगेन इसको भी याद रखिएगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अगर आप प्रूफ चाहोगे तो अगेन इसका प्रूफ भी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक में ही मिलेगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसमें भी आपको बोलूं कि फिर से वही सेम टाइप का एग्जांपल कि आपको इवैल्यूएट करना है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर अप टू टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स, तो इसको निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, बस ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला आपको बताया गया है इसको आप अप्लाई कर दीजिए। ये स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का सम लिखा है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। तो इसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में 10 पुट करना है। तो इस फॉर्मूले में जब आप एन की वैल्यू 10 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एन की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 इंटू टू 20, 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। तो अगर आपने एन की वैल्यू 10 रखा तो 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। नाउ यू कैन इवेल्यूएट दिस, तो कैंसिल कर लीजिए, जिससे कैंसिल हो रहा, 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा एंड 2 से कैंसिल कर लीजिए 2 5 जा, तो ये आ गया 55 इंटू 7, जो आप इजिली इवेल्युएट कर सकते हो, इट इज 385, ठीक। एक और रिजल्ट मैं आपको बताता हूं उससे रिलेटेड, फिर इसके बाद हम लोग इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। तो तीसरा रिजल्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज समेशन आर क्यू, अगेन आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि अगेन आपको r इक्वल टू 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, और जो भी आउटपुट आए उन सबको ऐड करते हुए लिखते चलना है अप टू n तक। करिए जरा क्या मिलेगा, r इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 क्यूब प्लस, r इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 क्यूब प्लस, ऐड करते चलिए, r इक्वल टू 3 रखोगे तो 3 क्यूब प्लस, और अप टू r इक्वल टू n रखोगे तो n क्यूब इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला फॉर सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगेन फर्स्ट मतलब वन से लेकर के एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही आसान है। पहला वाला फॉर्मूला आई होप कि आपको याद है, देख लीजिए फिर से क्या फॉर्मूला है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन का, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो लास्ट वाला जो क्यूब्स का सम है, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस अप टू एन क्यूब, इसका फॉर्मूला होगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। देखिए सेम है फर्स्ट वाले से, बस आपको यहां पे इसका स्क्वायरिंग करना है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला फॉर सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जो आपको याद रखना है और इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इसी तरीके से याद रखिएगा तो आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैं आपको अगर छोटा सा एग्जांपल दूं तो मेरे हिसाब से अब आप इसका आंसर तो बड़ी आसानी से लिख सकते हो। अगर मैंने बोला कि भाई इवेल्युएट करिए, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस अप टू कहां तक निकालना है, सपोज 10 क्यूब तक निकालना है, तो यस यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू 10 पुट कर देनी है बस, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 10 रखोगे तो ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो ऐसे आपने ये ऊपर निकाल रखा है 1 से 10 के लिए, फिर भी ये पुट कर दीजिए n की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 11 बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा 55 का होल स्क्वायर या 55 इंटू 55। फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई करके इवेल्युएट कर सकते हो, या 55 का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा बचपन में कि 50 प्लस 5 का होल स्क्वायर करके भी आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो यू कैन। तो इस तरीके से ये तीन बेसिक फॉर्मूलेज हमने
आपको डिस्कस किए, इन पे छोटे छोटे एग्जांपल्स डिस्कस किए, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो ये मैंने बहुत छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल दिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं इनके बेसिस पे, जो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं हम लोग, उस पर हम लोग आते हैं। चलिए,